हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रतिमा किचन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आई होप कि आप लोग का पसंद आएगा मेरा रेसिपी। तो मैं बहुत टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए। तो चावल का पिट्ठा, आई होप कि आप लोग का पसंद आए। चलती हूँ बनाने। यहाँ पे 2 लीटर पानी को मैं इसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ। लो फ्लेम पे आपको इसको धीरे धीरे करके इसको भूनना है ताकि अच्छे से इसका छिलका उतर जाए। देखिए इसका छिलका उतर गया, मैं इसको उतारूंगी। गैस को ऑफ कर देती हूँ फिलहाल। और ठंडा जब ये हो जाएगा तो मैं इसको मिक्सी में पीस लूंगी। देखिए इस तरह से मैंने इसको बादाम को छिलका निकाल लिया हूँ और मैं इसको पीस लेती हूँ ठंडा करके मिक्सी जार में। मैंने इस तरह से मीठा को पीसा हूँ, इसी तरह से ज्यादा राइस को भी, मूंगफली बादाम को भी आपको पीस लेना है। तो मैंने यहाँ पे बादाम को भी 250 ग्राम बादाम को मैंने सूखे हुए भून के दरदरा पीस लिया हूँ और गुड़ को भी मैंने पीस लिया हूँ। अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पे 1 kg मैंने चावल के आटा लिया हूँ जिसको मैंने गुनगुने पानी से अच्छे से मिक्स करके आपको अच्छे से घोत लेना है। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बिल्कुल सादा पानी। मेरा चावल का आटा मैंने इसको जिस तरह से आपने गेहूं का आटा को गूंथते हैं इसी तरह से आपने इसको चावल के आटे को गुनगुने पानी से गूंथ लेना है। देखिए ना ज्यादा गीला हो ना पतला, ठीक है। तो 1 चम्मच मात्र, आधा केजी में 250 ग्राम ये है, 250 ग्राम मीठा है जिसमें मैंने 1 चम्मच मैंने काला नमक ऐड किया हूँ। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। इस तरह से छोटा टुकड़ा लेना है आपको और ऐसे ऐसे करके आपको जिस तरह से आपने आलू का पराठा बनाते हो या दाल का, तो आपको इस तरह से ऐसे डाल लेना है थोड़ा ऐसे, इसी तरह से ऐसे ऐसे कर देना है। आप देखिए इसी तरह से आपको सारी लोई इस तरह से भर लिया हूँ। अब मैं इसमें पानी मेरा देखिए इस तरह से उबाल हो गया, पहले से ही मैं पानी चढ़ा दी थी। अब मैं इसमें डालूंगी और डाल कर आपको इस तरह से चलाते रहना है और थोड़ा सा आप या ऑयल भी हो 1 चम्मच इसमें ऐड कर दे ताकि एक दूसरे से चिपके ना। मैं इसको इस तरह से चला देती हूँ और ढक देती हूँ। बहुत 5 मिनट में ही पक गया, मैं इसको निकाल लेती हूँ। बर्तन में आपको निकालना है कि जो भी पानी सारा पानी हो नीचे से निकल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को पसंद हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो। कैसा लगा मेरा रेसिपी? तो ये चावल का हुआ पिट्ठा जिसको हम लोग बोलते हैं।